हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर जॉब अलर्ट। न्यू रिक्वायरमेंट आई है एक्स सर्विसमैन कॉन्स्टेबलरी हेल्थ स्कीम ECHS के अंदर मेरठ, ECHS सेंटर मेरठ। ये वैकेंसीज की लिस्ट है असेसमेंट ऑफ ESM वीक ओनली कैंडिडेट्स के लिए, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए वन ईयर्स ऑन असिस्टेंट ऑफ ESM ओनली सिविलियंस। मेडिकल स्लिप्स की एक वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर्स की, मेडिकल स्पेशलिस्ट की एक वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर्स की एक वैकेंसी है, डेंटल ऑफिसर्स की दो तीन वैकेंसीज हैं, मेडिकल ऑफिसर्स की दो वैकेंसी हैं सॉरी, और डेंटल ऑफिसर की तीन, लैब टेक्निकल की तीन, लैब असिस्टेंट की एक, फार्मासिस्ट की चार, और नर्सिंग असिस्टेंट की एक पोस्ट है, क्लर्क की तीन पोस्ट हैं, फीमेल अटेंडेंट की तीन पोस्ट हैं, चौकीदार की एक पोस्ट है, एम्बुलेंस ड्राइवर की एक पोस्ट है, सफाई वाला की पांच पोस्टें हैं। टोटल कुल मिला के 28 पोस्टें हैं। 70% जो वैकेंसीज हैं रिजर्व ऑफ ESM कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए हैं। 30% जो नॉर्मल जो न्यू कैंडिडेट बच्चे हैं उनके लिए हैं। और अगर ESM कम होने पे पहले प्राथमिकता ESM कैंडिडेट को दी जाएगी, बाद में नॉन कैंडिडेट को दी जाएगी। इसका पेज वाला और दिखा देते हैं, एक्स सर्विसमैन मेरठ ECHS मेरठ, सहायक चपरासी क्लर्क ड्राइवर व सफाई वाला के पदों के ऊपर चपरासी के 18 से 55 साल आयु रहेगी, 16,800 रुपये और 8वीं पास होना चाहिए। सफाई वाला के लिए 18 से 55 आयु रहेगी, 16,800 मासिक वेतन और 8वीं पास होना चाहिए। महिला अटेंडेंट के लिए 55 साल तक आयु रहेगी, 8वीं पास होना चाहिए। ड्राइवर के लिए भी 18 से 55 साल आयु रहेगी, 8वीं पास वाला ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्लर्क के लिए स्नातक पास हुआ कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए ANM GNM का डिप्लोमा होना चाहिए। लैब सहायक के लिए DLLT पास की होनी चाहिए। आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी और फॉर्म की अंतिम तिथि 28/5/2022 रहेगी। फॉर्म जो आपका भेजने का पता है वो इस प्रकार है, OIC स्टेशन हेडक्वार्टर एक्स सर्विसमैन कॉन्स्टिब्यूटरी हेल्थ स्कीम सेल ECHS हेडक्वार्टर पश्चिम UP सब एरिया मेरठ कांट 25001 UP के पते के ऊपर आपको फॉर्म सबमिट करना है। आवेदन के साथ संकलित किए जाने वाले डॉक्यूमेंट आपके ये इस प्रकार है, शैक्षणिक व्यवसायी योग्यता के प्रमाण पत्र, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, SMO द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र, दो अतिरिक्त पासपोर्ट आकार की फोटो तथा अपना जाति व वर्ग अवश्य लिखें। एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ में पोस्ट का नाम और अपनी जाति वर्ग अवश्य लिखे। आवेदन के कॉलम सभी बड़े अक्षरों में फिल होना चाहिए। संविदा वर्तमान में 11 से 12 माह महीने के लिए भरे जाएंगे। सिविलियन आवेदकों के लिए केवल 11 माह के लिए नियुक्ति प्रदान की जाएगी। सिविलियन 11 माह, भूतपूर्व सैनिकों को 12 माह, बाद में बढ़ा दिया जाएगा, टाइम के अनुसार ये बढ़ा दिया जाएगा। ये नहीं है कि ये 11 से 12 माह रखे जाएंगे। उपरोक्त नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 10 जून 2022 को प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक आयोजन किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए आते समय आपको मूल दस्तावेज मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार की दो फोटोग्राफर साथ में लेके आए। किसी भी आवेदक को कोई TADA नहीं दिया जाएगा। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप तक न्यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।